तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने दो इन्वर्टर रखे हुए हैं। दोनों ल्यूमिनस कंपनी के इन्वर्टर हैं और दोनों की कैपेसिटी सेम है, यानी 675 VA। ये देखिए 675 VA के दोनों इन्वर्टर हैं और दोनों इन्वर्टर सिंगल बैटरी से ऑपरेट होने वाले इन्वर्टर हैं। और इसमें हम आज आपको बताएंगे अंदर से कि इनके अंदर की टेक्निक में क्या फर्क है। इन्वर्टर को खोलकर अंदर से देखते हैं कि इनके अंदर क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा बेहतर रहता, नई टेक्निक वाला या फिर पुरानी टेक्निक वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पुराने मॉडल से। इसका हमने कवर हटा दिया है, अब आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें ये किट यूज की गई है। किट काफी अच्छी किट है इसमें, और इसमें SMD और नॉन SMD दोनों पार्ट यूज किए गए हैं। इसमें ऊपर तो आपको नॉन SMD पार्ट दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसके नीचे SMD पार्ट भी यूज किए गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी दूसरी किट निकालते हैं। ये किट नीचे से कुछ ऐसी नजर आती है, काफी अच्छी किट है। और देखिए, ऊपर से किट ये ऐसी नजर आएगी और नीचे से ये कुछ ऐसी नजर आती है। इसमें SMD पार्ट भी यूज किए गए हैं और नॉन SMD पार्ट भी ऊपर यूज किए गए हैं, यानी दोनों तरीके के पार्ट इसमें यूज किए गए हैं। किट काफी अच्छी है, इसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती थी, इसमें फॉल्ट भी काफी कम आते थे। और रही बात इसके ट्रांसफॉर्मर की, तो देखिए इसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया गया है, ये एक कॉपर मेड ट्रांसफॉर्मर, यानी इसकी बाइंडिंग जो है कॉपर की है। कॉयल इसमें कॉपर की यूज की गई है। बहुत रिलायबल ट्रांसफॉर्मर रहता है और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मर था। इसमें आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर के चलने की शिकायत ना के बराबर आती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मान लीजिए अगर कभी ट्रांसफॉर्मर जल भी जाता है तो हम इसकी बाइंडिंग करके आसानी से दूसरा ट्रांसफॉर्मर इसमें यूज कर सकते थे। और ये ट्रांसफॉर्मर अगर हम किसी और इन्वर्टर में यूज करना चाहें किसी और किट के साथ, तो उसमें भी बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाता था और इतनी ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आती थी। ये इन्वर्टर आमतौर पर काफी भरोसेमंद इन्वर्टर माना जाता था और ल्यूमिनस कंपनी को टॉप पर पहुंचाने में इस मॉडल का बहुत बड़ा हाथ था। खैर, अब ये तो बात हो गई पुराने टाइम की। अब बात करते हैं जो नए मॉडल का इन्वर्टर ल्यूमिनस ने लॉन्च किया है, जो ल्यूमिनस की लेटेस्ट किट आ रही है, उसमें आपको दिखाते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये देखिए, अब इसको अंदर से दिखाते हैं आपको। ये हमने इसका कवर हटा दिया और अंदर से देखिए इसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया गया है। पहली बात तो ट्रांसफॉर्मर ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग में है और इसका साइज भी कम है। इसमें तकरीबन ये कोर 2.5 इंच की है और जो पहले वाला कॉपर वाला ट्रांसफॉर्मर था उसमें लगभग 3 इंच के आसपास कोर यूज होती थी। ये देखिए एल्यूमिनियम बाइंडिंग में है और ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन भी कुछ ऐसा कर दिया है कि ये आमतौर पर दूसरे इन्वर्टर में यूज नहीं हो पाता है। और इसके अलावा इसमें जो किट यूज की गई है, किट भी देखिए काफी इसकी घटिया क्वालिटी की कर दी है। बहुत अच्छी क्वालिटी किट इसे नहीं कह सकते उसके मुकाबले में। खैर, किट अच्छी चलती है, वर्क अच्छा करती है, बट जो इसकी पहली किट थी पुरानी वाली, पुराने मॉडल के इन्वर्टर, बहुत अच्छी किट थी, शानदार किट थी और उसमें इतनी आसानी से फॉल्ट भी नहीं आते हैं, बट इसमें फॉल्ट अक्सर आ जाता है। और उसके अलावा एक बात ये होती है कि इस किट की रिपेयर आसानी से हर जगह नहीं हो पाती, बहुत से लोग इस किट को रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो ये इन्वर्टर आमतौर पर डेड हो जाता है। और इसके अलावा इसकी रिसेल वैल्यू ना के बराबर है। अगर हमारे जो पुराने मॉडल का इन्वर्टर था वो कॉपर बाइंडिंग में था, अगर वो हमारा बिल्कुल यूजलेस हो जाता था, हम उसे स्क्रैप में भी बेचते थे तो उसकी वैल्यू अच्छी मिल जाती थी, बट स्क्रैप में भी इसकी वैल्यू ना के बराबर ही आती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्टर का, जो ल्यूमिनस का इन्वर्टर पुराने मॉडल का था, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन उसके मुकाबले में ल्यूमिनस का जो अब इन्वर्टर आ रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और इस इन्वर्टर का, ये इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, लेकिन पूरी तरीके से स्क्वायर वेव इन्वर्टर कहना भी ठीक नहीं रहेगा। ये इसे हम हाइब्रिड इन्वर्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वेव और साइन वेव इन्वर्टर के बीच का मॉडल है। ना तो पूरी तरीके से साइन वेव है, ना ही पूरी तरीके से स्क्वायर वेव है। तो जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है, तो मेरी नजर में तो जो पुराने मॉडल का इन्वर्टर था वो बेस्ट था। और आजकल ये इन्वर्टर चला है, ठीक है, वक्त के हिसाब से सब कंपनियों ने अपने मॉडल्स में बदलाव किए हैं और बदलाव करना भी चाहिए, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी क्वालिटी पहले हुआ करती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको भी मेरी बात सही लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।